जी तो अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम करने लगे हैं सौद भाई को कलर। पहले हम लगाते हैं पाउडर, पाउडर लगा के अभी कलर लगाते हैं। आप आ जाए उस्मान भाई, थोड़ा आगे आ जाए। अभी हमने सौद भाई को पाउडर लगा लिया है ताकि जो लाइन लगाएं आपको सही नजर आए। ये देखें कलर है, ये कलर है ब्लैक। अभी ये लग गया एक साइड को कलम को, अब हम लगाने लगे हैं दूसरी साइड पे। उस्मान भाई इधर आ जाए जी। तो अब ये साइड पे कलम को लगाते हैं कलर। ये हमारा आज फर्स्ट व्लॉग है जी सौद भाई की दाढ़ी को कलर लगाने का, तो आप लोग देखें हमारा ये व्लॉग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपके पास जो नई वीडियो आने लगाऊंगा, जो इसमें अपलोड करूंगा, आपके पास आ जाए और आप देखें और देख के अपनी राय दें कि कैसे लगी वीडियो आपको, अच्छी या बुरी, ये तो आपकी मर्जी है ना। सही है ना सौद भाई? सही सही। जी तो आप मूंछ की लाइन लगाने लगे हैं साइड पे, थोड़ा लगा लेंगे पहले ताकि मूंछ की जो लाइन है वो काली हो जाए और मूंछ जो है ना मुरब्बा टाइप सही बन जाए। सही बशो से नहीं छोड़ा। ये लाइन इसलिए लगाई है ताकि ये जो ना मूंछ का जो मुरब्बा है ना वो सही बन जाए। मुरब्बा मीन्स स्क्वायर बनाना है मूंछ को। ये वी है, वी टैप, इधर वी की टैप कलर लगा लेंगे जी। उसके बाद ये लगाते हैं इधर कलर, ये गोल बनानी है। ये तो आप इधर लाइन लगा लेते हैं, ये वी टाइप बनानी है। ये जी वी टाइप बन गई आपके सामने ही है, इधर देखते जाएं आप। ये तो आप मक्खी को लगा लेते हैं कलर। ये मक्खी को कलर लगा के फिर लगाते हैं नीचे लाइन,
और दिखाते हैं आपको नीचे कैसे लाइन लगानी है। मुरब्बा बनाया सौद भाई का नीचे भी आज हमने, तो पहले सौद भाई बनवाता था नीचे खंजर, तो आज हमने खंजर नहीं बनाया तो मुरब्बा बनाया, इसलिए सौद भाई को बोला आप सो जाओ हम कलर लगाते हैं, तो इसलिए सौद भाई सो गए हैं। इनको पता है कि नींद बहुत प्यारी होती है इंसान को, और ये इसलिए अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। आ गए हम नीचे लाइन, ये देखें। अगर आप हमारी वीडियो देख के आप भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो फिर हमारा एक और चैनल है जी, वो इमरान वाघा के नाम पे है, और उसके ऊपर हमने हर वीडियो मेंशन की हुई है, मतलब डिटेल में काम बताया हुआ है भाई ने। आप उधर जाएं और जाके अपना काम सीखें, और उसमें सारे आइटमें बताई हुई हैं भाई ने आपके लिए, कि आप देखें और उसको फॉलो करें। और आप उस्तादों के पास नहीं खड़ा होएं तो अपना हुनर आजमाएं अपने आप। अब वो साइड पे लग गया, अब ये साइड पे आ गए हैं जी। जैसे मैं लगा रहा हूँ कलर, वैसे आप लोगों ने भी लगाना है, और इंशाल्लाह सेम ही कलर लगेगा, सेम ही रिज़ल्ट आएगा। अगर आप कलर ब्लैक लगा रहे हैं तो अच्छी शाइन देगा, और अगर कलर जो स्किन में नहीं आता है वो शाइन नहीं देगा, लेकिन बाल ब्लैक कर देगा। ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। देखें साइडों पे लाइन लगा लेते हैं, साइडों पे भी ऐसे ही लाइन लगा लेते हैं, और फिर दूसरी साइड पे लगाते हैं। तो देखें चलिए, जी तो अब लाइनें लग चुकी हैं, अब हम लगाने लगे हैं कलर, फुल ब्लैक कर देंगे सौद भाई की दाढ़ी को। ये देखें कलर लगा ले हैं हम, इंशाल्लाह ये कलर का रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, और आप देखेंगे तो ज़रूर अच्छा कमेंट ही इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं है पैसा जी जो नहीं है, पैसा नहीं है ना, पैसा रहे, पैसा है तो सारा कुछ है, सही है ना सऊद भाई। अब हम नीचे नीचे कलर लगा लेंगे बस इतना ही, बाद में हम कंघी के साथ थोड़ा कलर को ऊपर करेंगे ताकि एक फेड के जैसे आए। ये कलर को हमने बनाना है एक फेड के जैसे, जिसको हम अरबी में स्लोप बोलते हैं, मदरज बोलते हैं जी अरबी में हम, तो मदरज करेंगे कलर की। ये तो हम आप भाई इस साइड पे आ गए हैं जी, उस साइड पे हमने लगा लिया कलर, तो अब इस साइड पे आ गए हैं। ये साइड पे भी वैसे ही लगा लेंगे कलर जैसे कि उस साइड पे लगाया, थोड़ा सा रखा ऊपर फेड बनाने के लिए, फेड बन जाएगी इंशाल्लाह, तो फेड भी आपको दिखाएंगे। ये देखें अभी हमने इधर लगा लिया कलर, बस अभी उस साइड पे जाके ये नीचे कलर लगाते हैं। ये नीचे अभी कलर लगा लिया हमने, सही हो गया जी। अभी हम कंघी के साथ करते हैं मिक्स, उसी साइड पे आके मिक्स करते हैं जी ये कंघी के साथ, ताकि फेड भी लगे और मुदरज भी लगे। मुदरज और फेड में दोनों में फ़र्क क्या है कि फेड इंग्लिश में है तो मुदरज अरबी में है, बस फ़र्क यही है, है दोनों सेम ही। अभी इधर हम लगाएंगे क्रीम, आ गए जी इस तरफ, इधर भी वैसे ही करेंगे जिस तरह उस तरफ किया था। अब इस साइड पे भी कंघी के साथ ऊपर कर लेंगे, और
इसके बाद हम लगाते हैं इधर क्रीम, ताकि ये जो कलर है स्किन को ना पकड़े, जिधर ब्लैक चाहिए उधर ब्लैक हो जाए और जिधर नहीं चाहिए उधर फेड कट जैसे नज़र आए। जी तो अब हमने ले लिया जोनी क्रीम ले लिया और इधर लगाते हैं दाढ़ी के ऊपर जिधर हमें ये कलर नहीं चाहिए। ये हमने ले लिया जी, इधर लगा रहे हैं ताकि ये स्किन में इधर ना आए। ठीक हो गया। अब उस तरफ, अब ये इस तरफ भी आ गए हम, ताकि ये स्किन में ना आए कलर, इसलिए हम ये लगा रहे हैं क्रीम और ये क्रीम को कलर में मिक्स कर देंगे और इंशाल्लाह जो ऐसे हम बोल रहे हैं कि ये स्किन में नहीं आएगा तो इंशाल्लाह ये स्किन में नहीं आएगा। ये तो अब ये हम कलर को मिक्स करने लगे हैं कंघी के साथ, ताकि जिधर हमने क्रीम लगाई है वो कलर भी ना उधर पकड़े और बाल भी ब्लैक हो जाएं। ये क्रीम बहुत अच्छी है, अगर जिस भाई के पास है वो ये यूज़ करे, अगर नहीं है तो हमसे रब्ता करे, हम उसको ले कर देंगे और हमारे पास है भी। अभी इस साइड पे भी आ गए हैं, इस साइड पे भी वैसे ही करेंगे, कलर मिक्स कर देंगे स्किन में और साथ में ये क्रीम है। ये बहुत अच्छा डिजिटल दौर है, जो पहले लोग उस्तादों के पास जाते थे काम सीखने के लिए, अब जिसके पास माइंड है वो बंदा बस मोबाइल पे ही काम सीख लेता है अगर उसको दिल हो काम सीखने का, वरना जो बंदे काम नहीं सीखना चाहते वो सात साल भी नहीं काम करते रहते हैं तो काम नहीं सीख सकते। जी तो अब हम लगाने लगे हैं मूछों का कलर, ये हम लगाएंगे मुरब्बा टाइप इधर कलर, ये बुरशी के साथ ही लगाएंगे क्योंकि कंघी के साथ इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप कंघी के साथ भी लगा सकते हैं जैसे आपका दिल हो। ये तो आप कलर लग गया मूछों को भी, तो ये हम रखेंगे सऊद भाई को 10 मिनट कलर, उसके बाद वॉश करते हैं, तो वॉश करके भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी तो आप सऊद भाई के कलर को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो आप वो धोते हैं हम, आप देखें और ये धोने लग गए हैं हम इंशाल्लाह, और इसके बाद हम आपको इसका रिजल्ट भी दिखाते हैं धो के कि कैसा निकलता है कलर अंदर से इंशाल्लाह, कि एक पेड़ के जैसे आएगा या स्किन में आएगा या नहीं आएगा। ये तो आप देखें, अब सऊद भाई को हमने धो लिया है, तो माशाल्लाह कलर देखें कितना अच्छा आया है, देखें माशाल्लाह ये फेड के जैसे कलर आया जी स्किन में, नीचे ब्लैक ज़्यादा है और ऊपर थोड़ा है। तो आप हमें दें इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।